और उनका साथ देंगे। आज के दिन में दूसरा क्वार्टर फाइनल है। खान टाइगर असलीम बना, यूएससी खान टाइगर का युवा बल्लेबाज विक्की भट्ट रोशन और यूएससी के शानी वाले पहला बॉल डालने का विक्की भट्ट व्हाइट बॉल पैर का इशारा पहला ही बॉल की वजह से आज इस टूर्नामेंट में बड़े बड़े और नामवर खिलाड़ी लोधरा की सरजमीन पर मौजूद। पहला बॉल डालेंगे शानी मलिक, सामना करें विक्की भट्ट से एक और भाई। पूरा टूर्नामेंट का इनिंग भावलपुर और लोधरा दोनों टीमों में भावलपुर और लोधरा के ब्रांड खिलाड़ी मौजूद हैं दोनों टीमों में। ओ अच्छा बात, शानी मलिक सामने है विक्की भट्ट, विक्की भट्ट भावलपुर लेजेंड ऑफ, इसके अलावा भावलपुर विक्की भट्ट लेजेंड शानी मलिक। आज लोधरा यूएससीसी की जानिब से भावलपुर के बहुत बड़े बॉलर बैट्समैन लोधरा में आए हैं कितना भारी पड़ेगा। कैच नहीं छोड़ा भाई आपने, मैच छोड़ा है, सीधे हो जाए आप। कप्तान ने छोड़ा है ये कैच, मैच छोड़ा है जनाब। अब सामना करेंगे रोशन, पांच पांच ओवर पे मैच शुरू हो चुकी होगी। पहला ड्रॉप कैच छोड़ा है या कप्तान ने कैच छोड़ा है, क्वार्टर फाइनल जारी है। रोशन सिंगल के लिए डबल की कॉल है ये, सिंगल मिलेगा सारी से तो अपना काम तमाम। फाइनल से पहले फाइनल यूएससीसी वर्सेस खान टाइगर सीनियर। मिस्टेक की सगीर अहमद ने मिलने के बाद अपनी टीम को ये चांस भारी पड़ेगा देंगे, ये देखना होगा अगले पांच ओवर देखने होंगे। बॉलिंग पर है शानी, ओ तीखा बॉल, विक्की भट्ट बिल्कुल नहीं पड़ पा रहे शानी मलिक को। बॉलिंग पर है शानी, फेस करेंगे विक्की, लेफ्ट स्टेशन बॉलर, गेंदबाजी बिल्कुल नहीं पड़ पा रहे। बद्य आया, शानी आया, शानी आया, क्या बात है शानी की, और उससे अच्छी शादी पाले शानी मलिक काफी मेहनत करते हुए। तीन रन दिए, चार रन दिए जनाब, सामना करेंगे रोशन शानी मलिक के सामने। उठा के खेला है कोई खिलाड़ी, नीचे है कप्तान उस्ताद सलीम, उस्ताद सलीम बढ़िया बढ़िया फील्डिंग, अगर एक डबल चुरा लिया है इसको मद्देनजर रखना आप, क्या बात है शानी मलिक। सात रन से एक ओवर के खिताब पे अगले बॉलर है जिलानी, गुलाम जिलानी आए हैं, पहले सामना करेंगे गुलाम जिलानी भावलपुर विक्की भट्ट लोधरा की, विक्की भट्ट सामना करेंगे गुलाम जिलानी का, गुलाम जिलानी तीखे बॉलर जिलानी स्पीड मास्टर गुलाम जिलानी आए हैं। लोधरा वर्सेस भावलपुर, लोधरा के हैं ये टाकरा देखने का गुलाम जिलानी, भावलपुर के हैं तगड़े बल्लेबाज विक्की भट्ट। गुलाम जिलानी पहला बॉल डालेंगे, ये फील्डर बहुत अच्छी फील्डिंग और सिंगल के लिए अच्छी फील्डिंग करते हुए फैसल शेख, फेस करेंगे रुशान, उनका साथ दे रहे हैं विक्की। बॉलिंग पर है गुलाम जिलानी, पीएसएल 11 फाइनल से पहले फाइनल लोधरा वर्सेस भावलपुर। रुशान सामना करेंगे, बहुत अच्छी गेंदबाजी, अच्छा बॉल करते हुए एक के फोर्टी, क्या बात है जी, बड़े बॉल करते हुए स्पीड मास्टर, कमाल की गेंद, बड़े नामवर प्लेयर दोनों टीमों में मौजूद। ये चार बॉलर चूज होंगे, पांच पांच ओवर पर मुश्तमिल ये मैच है, दोनों टीमों के कप्तान ये ऐलान सुन लें, चार बॉलर चूज होंगे, पांच पांच ओवर पर मुश्तमिल ये मैच। एक बार फिर अच्छी गेंदबाजी, वंस अगेन सिंगल के लिए खेल दिया रोशन ने, तक कोई बाउंड्री देखने को नहीं मिली, दूसरे ओवर का अच्छी बॉलिंग करते हुए गुलाम जिलानी, आमने सामने है लोधरा भावलपुर, दोबारा स्ट्राइक में का फर्क है, देखेंगे विक्की भट्ट सामने आया, खत्म करेंगे विक्की भट्ट या गुलाम जिलानी, ये लागा देखना भावलपुर बनाम लोधरा, फेस करेंगे जिलानी का, ये शॉट कप्तान शॉट, कैच हो सकता था, मौका बना था पर ऊपर से जाएगी छह रन के लिए, अगर वो ये कैच पहला छक्का लगा है इस इनिंग का, विक्की भट्ट के बल्ले से आया है पहला छक्का, पहला छक्का। बॉलिंग पर है गुलाम जिलानी, फेस कर रहे हैं विक्की भट्ट, बहुत बड़ा मैच फाइनल से पहले, बहुत बड़ा फाइनल होने जा रहा है जनाब। एक और अच्छा बॉल, अंपायर सिग्नल वाइड बॉल,
ये व्हाइट है और ये आप दूसरा मैच व्हाइट बॉल फाइनल से पहले दूसरा सलीम बॉलिंग पर है गुलाम जिलानी फेस कर रहे हैं विक्की बाग लोधरा और भावलपुर। एक बार फिर से चांस दिया है नो बॉल अंपायर डिसीजन नो बॉल अंपायर डिसीजन और ये यकीनन नो बॉल अंपायर से फ्री हिट बॉलिंग पर है गुलाम जिलानी पीएसएल का सबसे बड़ा मैच पहली फ्री हिट मिलेगी सबसे बड़ा मैच क्या बल्ला खोलेंगे विकी पट उठा के मार है जी इस मर्तबा डबल की गाल इस मर्तबा फिर के दुआ फ्री हिट था फ्री हिट था फ्री हिट गोल्डन चांस विकेट के पास के पास था नहीं था फ्री हिट का कोई फायदा नहीं सगीर अहमद ने कोई अच्छी बॉल करते हुए गुलाम जिलानी बहुत ही शानदार अच्छी गेंदबाजी अच्छा कमबैक गुलाम जिलानी की तरफ से विकी बाट जी सामने बॉलिंग पर है गुलाम जिलानी छक्का लगाया है जरा बल्ला खोला बहुत ही खूबसूरत शॉट दूसरा छक्का लगाया इसी निकला छक्का जिलानी के ओवर में जिलानी को रसीद किया विकी बाट ने अपने आप को बंबाते हुए विकी बाट दो ओवर के इख्तिताम पे 25 रन हो चुके हैं दो ओवर के दूसरा ओवर डालेंगे शानी मलिक बॉलिंग पर है मलिक शानी बहुत ही अच्छी गेंदबाजी अच्छी बॉल करते हुए क्या बात है जी क्या बात है शानी मलिक की तरफ से पिछला ओवर भी कमाल का और ये अब दूसरा ओवर कराने आए हैं और इनिंग्स का तीसरा ओवर है शानी मलिक फेस कर रहे हैं रुशान जो कि अभी तक उनकी तरफ से कोई बाउंड्री देखने को नहीं मिली रुशान की तरफ से बॉलिंग पर है शानी मलिक पीएसएल 11 का बिल्कुल नहीं पढ़ पा रहे रोशान का बल्ला ही नहीं आ रहा काफी शानी मलिक अच्छी गति का प्रयास करते हुए शानी मलिक यहाँ पर अच्छे साझेदारी की जरूरत होगी दोनों बल्लेबाजों को अपनी टीम के लिए बिग टोटल करने के लिए कमाल की गेंदबाजी शानी मलिक बॉलिंग पर है रोशान पीएसएल 11 की रौनकें एक और अच्छा बॉल बहुत ही अच्छी गेंदबाजी नाराज हो रहे हैं तिखा तिखा बॉल से रोशान बिल्कुल नहीं पढ़ पा रहे से नाराज होते हुए की बात नाराज होना भी बनता है क्योंकि बड़ा मैच है वो समझ इतना बड़ा मैच इस मैच और उससे अच्छी बड़ी बैटिंग बॉलिंग जो टीम शानी मलिक वो सेमीफाइनल उससे से तीन बॉल डॉट करा चुके हैं बॉलिंग पर रोशान शानी बहुत ही अच्छी गेंदबाजी तालियां बजा दे भावपूर्ण के लिए तालियां बजा दे अच्छी बॉलें करते हुए अच्छी बॉलें करते हुए शानी मलिक चार बॉलें बीट करा चुके हैं शानी मलिक चार बॉल बीट करा चुके हैं चार गेंदे बीट करवा चुके हैं जी शानी मलिक जनाब सफल क्या बात है शानी मलिक की बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहे रुशान पिछले साल ये मुकाबला हुआ था पीएसएल 11 का हां टाइगर ये मुकाबला जीती थी पर उस दफा शानी मलिक नहीं थे यूएससीसी में ओ ये वाइट बॉल एक रन आया चार बॉल में पास से गेंद करा रहे हैं पीएसएल 11 के काफी दिलचस्प तगड़ा मुकाबला एक और तगड़ा अच्छी गेंदबाजी पांच बॉल में एक रन शानी मलिक के लिए शानी मलिक क्या बात है भावलपुर लेकिन उन्होंने इस पीएसएल के हिस्से से उन्हें बाहर किया था मुझे आज भी याद है यही शानी मलिक है फेस कर रहे हैं रुशान ये उठा के बहुत अच्छी गेंदबाजी और कोई रन नहीं एक रन दे के गए अच्छी फील्डिंग एक रन दिया शानी मलिक ने जी एक रन दिया इस ओवर में 26 रन हो चुके हैं तीन ओवर के खिताब पे 26 रन मोहम्मद आमिर आया जनाब ओल्ड रिच गोल्ड हो सकते हैं तगड़ा बॉल करते हैं तीखा तीखा बॉल करते हैं सामना करेंगे विकी बाट मोहम्मद आमिर बहुत ही अच्छी गेंदबाजी नहीं लेना चाहते जी बिल्कुल भी आज नाराज है विकी बाट बिल्कुल नहीं अच्छी बॉल है यूएससीसी की जानिब से यूसी उस्ताद सलीम सॉरी उस्ताद सलीम के बॉलर्स की तरफ से कमाल की गेंदबाजी यूएससीसी क्रिकेट क्लब लोथरा का बड़ा क्लब है ये
सगीरा मत काफी खुश नजर आ रहे हैं, अच्छी बॉलिंग करते हुए मोहम्मद आमिर यूएससी से सवाल के खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में छाए हुए हैं। हम बादशाह आए हैं, बात है गिलेवाल वालों की, बादशाह आए हैं, सामना कर रहे हैं मोहम्मद आमिर गिलेवाल बॉलिंग बॉलिंग और पहली बॉल में छक्का लगाया है, ये भी किसी तारफ के मोहताज नहीं, आते ही पहली गेंद पर अच्छा छक्का किया, अच्छी सलामी दी 6 रन की, स्वागत किया छक्के के साथ और अच्छी सलामी आगाज, बिस्मिल्लाह अंजाम खुदा जाने माजिद शाह, क्या बात है माजिद शाह की, और चांस बना था हाथ को लग के मुकम्मल किया माजिद, एक रन मिलेगा और आप फेस करेंगे आउट ऑफ फॉर्म। हेलो शाह रुशान, जहाँ से मैच में कुछ कुछ अपनी झलकियां दिखाएंगे ऐसे ही चलते रहेंगे, रुशान अपने हुए अपने कपड़ों पर लगा जो धब्बा है अभी तक, क्या पिछले ओवर की भरपाई कर पाएंगे रुशान, अच्छी गेंदबाजी, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी लगातार डॉट, सलीम 7 वाले डॉट कर चुके हैं रोशन, 7 वाले, बहुत बड़ा क्लब लोधना का उस्ताद सलीम, कमाल की गेंदबाजी आमिर की तरफ से, फेस कर रहे हैं मोहम्मद, साथ दे रहे हैं माजिद शाह, चौथे ओवर का खेल जारी है, इसके बाद आखिरी और पांचवें ओवर का खेल, बहुत ही अच्छा शॉट और दो रन देखने होंगे, दो रन, दो रन, 35 रन हो चुके हैं जी, 4 ओवर के इख्तिताम पर, 35 रन 4 ओवर के इख्तिताम, आपको दिखाते हैं कि तमाशाई के जानिब लेके चलते हैं, ये क्राउड खचाखच भरता हुआ, इन तमाम बोर्डों की तरफ से एक क्राउड देख सकते हैं आप, फाइनल से पहले फाइनल खचाखच क्राउड भरता हुआ, 11 का बहुत बड़ा मैच इस टूर्नामेंट का, मैं ये बड़ा मैच कहूंगा जी इस टूर्नामेंट का, ये बड़ा मैच है, ये वो कप्तान है, ये झलके देख सकते हैं आप, स्कूल एंड कॉलेज शाह को बुलाया, आखिरी ओवर करेंगे, एक शहर से है कौन सा शाह यहाँ से बाजी लेकर जाएगा, दोनों शाह आमने सामने, एक से बढ़कर एक, फैसल शाह और माजिद शाह, सिंगल के लिए खेला माजिद शाह ने और एक रन मुकम्मल किया, एक रन मिलेगा इसके लिए खसूसी तामून फैसल शाह, केटर कॉलेज सामना करेंगे आप रोशन, और इस टूर्नामेंट को जो चलाने वाली कमेटी रोहतहर एंड एक और का रोशन रह चुके हैं आप जनाब, गेंद बिल्कुल नहीं पड़ पा रहे गेंद को, रुशान अपनी 12 बॉलें बीट कर चुके हैं, दो ओवर करार रखते हुए बिल्कुल भी नहीं, थोड़ा सा मिलाप करा रहे गेंद और बल्ले का, गेंद से थोड़ी सी किस तो करें जनाब, बॉलिंग पर है दो बड़े मैक्सिमम देखने को मिले थे विकी भट्ट की तरफ से, कैच भी ड्रॉप हुआ लेकिन उससे भरपूर फायदा नहीं उठा पाए विकी भट्ट, बॉलिंग पर है फैसल शाह, फैसल शाह, फैसल शाह मुकम्मल गेंद को घुमा रहे हैं, ताली बजा रहे हैं यार फैसल शाह के लिए, अगर फैसल शाह की गेंदबाजी आपको अच्छी लग रही है तो तालियां बजाकर उसकी हौसला अफजाई करें, क्या बात है फैसल शाह की, अच्छी बॉलिंग करते हुए फैसल शाह, पकड़ा है दुरुस्त आए, बहुत देर की मेहरबान आते आते पहला छक्का रुशान की तरफ से, अपने आप से ना खुश दिखाई देते हुए रुशान, लास्ट बॉल आखिरी गेंद इस इनिंग की, आखिरी गेंद इस इनिंग्स की, 5वां ओवर आखिरी गेंद आखिरी शो, बॉलिंग पर है फैसल शाह, फेस करेंगे रुशान, क्या इख्तिताम अच्छा करेंगे या नहीं ये देखना बाकी है, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, 5 ओवर पिच पर मौजूद रहे और एक छक्का उनकी तरफ से, 43 रन का अदर दिया है कहां टाइगर ने, यूएससी को क्वार्टर फाइनल 5-5 ओवर पे यही मैच था जनाब, 5 ओवर के खिताब पे 43 रन का अदर, फाइनल की तरफ दोनों युवा बल्लेबाज क्रीज पे मौजूद यूएससी के, और उसके बाद जाने वाले उनका साथ देने आए थे गेलेवाल लेजेंड सगीर गेलेवाल, रंगारंग तकरीबात के साथ 43 रन का अदर जाएगा, और बाली के लिए हिकमत खान
फेस करेंगे शानी मलिक, उनका साथ देंगे सयूम कलेवा। बॉलिंग पर आए हैं हिकमत खान, इनके अंदर भी वो क्वालिटी खान अपनी हिकमत खान अच्छी ट्राई की थी रुशान ने, अगर ये कैच पहले बॉल पे यकीनन मैच दिलचस्प बन जाता। छक्का मिला है, अंपायर सिग्नल ने छह रन आए हैं शानी मलिक की तरफ से। इनिंग का आगाज के छक्के के साथ अब जीत के लिए शानी मलिक। शानी मलिक बॉलिंग पर है, पहले ही बॉल पर छह रन था। हिकमत खान अच्छा बॉल, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, अच्छी हिकमत खान की तरफ से। दो बॉल पर छह रन है हिकमत खान जो ब्यूटी, मुश्किल जरूर पर नामुमकिन नहीं, कमाल की गेंदबाजी हिकमत खान की तरफ से। अपने टैलेंट को परफॉर्मेंस पे कमाल कर रहे हैं हिकमत खान। आज भावलपुर वाले इस ग्राउंड में मौजूद शानी मलिक, विकी भट्ट, काका आकिब की जानिब शॉट, एक रन मुकम्मल किया। फेस करेंगे सगीर केलेवाल, हिकमत लोधरा, सात रन देने के तीन बॉल पे हिकमत खान, और उनका साथ दे रहे हैं शानी मलिक। मिलेंगी तो मैच बैट्समैन उनसे भी ज्यादा मंजर बॉलर सामने जरूरत है। एक खूबसूरत टूर्नामेंट, टाइगर को विकेट चाहिए जमीन पर, टी एस एल चाहिए, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता अपनी मंजिल की तरफ रवाना होना। इंशाल्लाह इतवार वाले दिन इस टूर्नामेंट का रंगारंग तकरीबात के साथ फाइनल मैच खेला जाएगा। अच्छी गेंदबाजी, सिंगल के लिए खेल दिया शकील केलेवाल अहमद ने और अपना एक रन मुकम्मल किया। फेस करेंगे आठ रन दे चुके हैं चार बालों पे। बॉलिंग पर पहली बॉल पे छक्का आया था, अगली तीन बॉलों पे दो रन दिए हैं हिकमत खान अच्छी बॉलिंग करते हुए। ईशान हवा में है गेंद और ये कैच छोड़ा है क्या, कमाल की फील्ड है, दूसरा कैच छोड़ दिया है जरा फील्डर ने फानी। डिसीजन देखना होगा अंपायर डिसीजन, अंपायर डिसीजन छह रन खिलाड़ी ने भी खुद ने भी छह रन दिए, कमाल की कोशिश। फील्डर के लिए तालियां बजा दे यार, कमाल की कोशिश की थी फील्डर ने, नाम मुझे पता नहीं लेकिन कमाल फानी है। कमाल की कोशिश अपनी टीम के लिए, वो ये समझते हैं कि इस मैच की कितनी अहमियत है। फानी स्पोर्ट्स के ऑनर है फानी। अगली बॉल शानी मलिक को चलता किया है हिकमत खान, चौदह रन होगी, क्या बात है, क्या बात है, साथ एक बड़ा विकेट शानी मलिक की। मैच में जान डाल दिया एक मतलब हिकमत खान ने, एक बहुत बड़ा बैट्समैन जो के धरते सर पर मैन। तो अगले बॉलर आए बाबर सियाल, इख्तिताम की तरफ रवाना थमा पर है हिकमत। फेस करेंगे सगीर, बॉलिंग पे बाबर सियाल, सॉरी बाबर सियाल आए हैं, सामना करेंगे सगीर के लिए, पहला बॉल डालेंगे अपना सगीर। एक ओवर के इख्तिताम पे 14 रन से एक विकेट के नुकसान, पहला बॉल डालेंगे बाबर सियाल, वो ये फुल टॉस गेंद थी कैच हो सकता है लेकिन फील्डर थोड़ा दूर थे। हिकमत अंपायर सिग्नल नो बॉल, अंपायर कॉल दे रहा है नो बॉल, और यकीनन ये फ्री हिट भी होगी, फ्री हिट भी होगी, और फेस करेंगे मुबशर अली। दो मुबशर अली के अंदर पहला बॉल भी केलेवाल के है, मैं ये बताता चलूं ये मुबशर अली भी केलेवाल के, केलेवाल मुबशर अली एक से बढ़कर एक खिलाड़ी गलेवाल का। और वाइड बॉल, अंपायर सिग्नल वाइड बॉल, इस पूरे टूर्नामेंट में गलेवाल के खिलाड़ी बगैर बॉल पे तीन रन दे चुके हैं, जमशेद गलेवाल, सैफ, नौमी, मलिंगा, सगीर, आमिर और अब आए हैं मुबशर अली। बॉलिंग पर है, बॉलिंग पर है बाबर, फेस करेंगे मुबशर अली।
बहुत ही खूबसूरत शॉट स्टेट की जाने अच्छी फील्डिंग मुकम्मल किया मुबशर अली ने। फेस करेंगे सगीर, अब सामना करेंगे सगीर। बाबा एक खूबसूरत टूर्नामेंट, बहुत बड़ा मैच, मैं पहले ही कह चुका हूँ फाइनल से पहले फाइनल है ये। 43 रन का टारगेट है और किस तरह से ग्राउंड खचा खच भरता हुआ, उसका वाला तमाशा है, दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम आज जन्नत क्रिकेट ग्राउंड। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, 47 गोली की रफ्तार से गेंदबाजी कर रहे हैं बाबर सियाह, लेकिन बैड लक वाइट बॉल था बाबर का। फेस कर रहे हैं सगीर अहमद, अब तमाम तार जिम्मेदारियां सगीर अहमद के कंधों पर हैं। वो ये जानते हैं कि जो टीम मैच जीतेगी वो सेमीफाइनल के लिए उड़ान भरेगी। वंस अगेन वाइट बॉल, एक और वाइट, ओए अच्छा, बहुत ही अच्छी, अच्छा बॉल, अच्छा कमबैक, अच्छा कमबैक बाबर सियाह। तालियां बजा दें यार बॉलर के लिए, तालियां बजा दें, क्या बात है। इससे पहले हिकमत खान और अब बाबर, दोनों टीमों में काफी तगड़े बॉलर मौजूद। इसके बाद अभी कामी भी बाकी है। बॉलिंग पर है बाबर, फेस कर रहे हैं सगीर, उनका साथ दे रहे हैं मुबशर अली। बहुत ही खूबसूरत शॉट और एक गेम में सिग्नल, चार रन गेंद दोनों फील्डर के दरमियान में से गुजरती। दूसरे ओवर से खेल जारी है, 24 रन हो चुके हैं। बॉलिंग पर है बाबर, बहुत अच्छी गेंदबाजी, क्या सगीर बिल्कुल नहीं पढ़ पा रहे, चौका खाने के बाद अच्छी बॉलिंग करते हुए। टीम मैच जीतेगी वो सेमीफाइनल के लिए उड़ान भरेगी। इससे पहला भी काफी दिलचस्प मुकाबला देखने को मिला, आज दोनों मुकाबले काफी दिलचस्प। बल्ले के ऊपर दिए और 6 रन, तो सगीर अहमद के लिए तालियां बजा दें यार, क्या बात है सगीर अहमद की, बहुत ही अच्छी बैटिंग, धुआंधार बैटिंग करते हुए सगीर अहमद, फखर सगीर अहमद। बॉलिंग पर है बाबर, बैटिंग कर रहे हैं सगीर और उनका साथ दे रहे हैं मुबशर अली, अच्छी बॉलिंग कर रहे थे। ये शॉट एक बार अकेला मिलने की जाने, अच्छी बॉल, सिंगल मिलेगा। एक रन मुकम्मल किया सगीर अहमद ने, 31 रन हो चुके हैं जी, 2 ओवर के इख्तिताम पर 31 रन। काका 13 रन रह चुके हैं जीत के लिए, 12 बॉल 18 बॉलों पे 13 रन। बॉलिंग पर आए हैं हिकमत, अपना अगला ओवर डालेंगे, हैं 13 रन है, कुछ भी हो सकता है क्योंकि हम सब पहले इससे जो पिछला क्वार्टर फाइनल है वो देख चुके हैं, अगर उसको मद्देनजर रखा जाए तो फिर क्रिकेट बाय चांस। बॉलिंग पर आए हिकमत, फेस करेंगे सगीर अहमद। बच गए, क्या बात है बाबर की, गोले छोड़ रहे हैं बाबर, बात है हिकमत खान की, फेस कर रहे हैं सगीर अहमद। वाइट पहला बॉल वाइट डाला जना, 12 रन चाहिए जीत के लिए, एक बार फिर एक अच्छा, बहुत अच्छी गेंदबाजी, जितनी तारीफ करनी होगी उतनी कम। फेस कर रहे हैं सगीर अहमद, मंजे हुए बॉलर, मंजे हुए बैट्समैन, आमने सामने कौन है सिर, कौन है सवा सिर, अभी पता लगेगा। बहुत ही खूबसूरत शॉट, अंपायर डिसीजन देखना होगा, चार रन के लिए खूबसूरत शॉट। आठ रन की दूरी पर उस्ताद सलीम क्रिकेट क्लब, तीसरी टीम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करने के लिए जा रही है जनाब उस्ताद सलीम। इस टूर्नामेंट में काफी अच्छी टीमें हमें नजर आई, काफी अच्छे खिलाड़ी हमें देखने को मिले। कैच था तकरीबन जी, ड्रॉप क्या कैच, 8 रन दूर है सेमीफाइनल के लिए, यूएससीसी तीसरी टीम बन सकती है सेमीफाइनल के लिए। जमीन पर एक बहुत बड़ा इवेंट और इस इवेंट को कामयाब बनाने वाले रावत है और उनकी पूरी टीम, उनको हम खराज तहसीन पेश करते हैं। एक अच्छा टूर्नामेंट, सिंगल के लिए खेल दिया समझदारी के साथ, बल्लेबाजी करते हुए सगीर अहमद, 7 रन दूर, एक बाउंड्री चाहिए सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे यूएससीसी।
मुबशिर है, करेंगे सामना हिकमत खान। अच्छा बॉल, क्या बात है जी, बाबर अपना इसमें, क्या बात है हिकमत की, एक और अच्छा बॉल, अच्छी बॉल करते हैं लश्कर का जीता, अब 12 बॉल पे 7 रन चाहिए, हिकमत अच्छा ओवर, अच्छा स्पेल, 12 बॉलों 7 रन, 7 रन पिछले मैच के जो कामिल आफ्ती मैच है अगर दिया जाए तो वो नबीद होंगे यकीनन, 12 बॉलों पे 7 रन चाहिए क्योंकि आज उन्होंने वो किया है जो नहीं करने वाला था, बहुत ही पहली बार में छक्का, ये है ब्रायन ऑफ लोधरा, ओ ये मैच बकरे लोधरा, सगीर अहमद, सगीर ने लगाया है मैन ऑफ द मैच बाउंड्री के पार, अरे तेरी मैं क्या क्या दूं मैं मिसाल, तुझ पे फखर करते हैं पूरा गलेवाल, तू अब एक रन दूं सगीर अहमद, एक रन दूं कामरान कामी, एक रन दूं लोधरा, तीसरे सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई, नंबर बॉलर है कामी, और ये रीडिंग रन, और ये खेल यूएससीसी ने जीत लिया है, अपने नाम किया तीसरी टीम पहुंच चुकी है क्वालीफाई के लिए, कल तक के लिए अल्लाह ताला आपका और हमारा, ये तीसरी टीम पहुंच चुकी है क्वालीफाई के लिए, अच्छा टूर्नामेंट पीएसएल सीजन 11 के लिए तीसरी टीम सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई कर चुकी है, यूएससीसी जुनून और यूएससी यूनाइटेड तीन टीमें पहुंच चुकी है सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई कर चुके, ये है विनर कैप्टन जुनून के उमर, और हम इन तमाशाइयों का शुक्रगुजार हैं, लेजेंड कैसा लगा आपको ये मैच देख के? बहुत अच्छा, बहुत ये एक होम ग्राउंड का एडवांटेज उठाते हुए हमारे जुनून क्रिकेट क्लब की टीम, और उन्होंने भरपूर एडवांटेज उठाया भी और अच्छा मैच खेला और जीता भी, वाह वाह, ये ऑडियंस की राय लेते हुए हम ये हमारे शहजाद शहजाद भाई जो लाइव कवरेज करते हुए पीएसएल सीजन 11 की, थैंक यू।